हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार। उनके लिए जो शैली थी, जो इस इंडस्ट्री की शैली थी, उस शैली को पाश्चात्य में वो चल नहीं पा रही थी। उसका जीवन का जो एक इच्छा थी, जो एक एम था, उसमें कुछ निश्चित तौर पर गड़बड़ थी। लेकिन कई पीठ पत्रकारिता और छुटभैया तरीके के पत्रकारों ने यह आरोप लगाया कि रूबी सिंह के पवन सिंह से संबंध थे और पवन सिंह ने के कारण रूबी सिंह ने आत्महत्या किया। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बेवजह उस अभिनेत्री का नाम किसी भी विवाद में ना घसीटें। ये सबसे बड़ा विषय जिसको लेकर आज मैं यहाँ आया था। इसके बाद आप जो पूछना चाहें मैं उसके लिए हाजिर हूँ। जय जी, आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं, आरोप लगाए गए तो क्या आपके पास कोई सबूत है या आप कुछ ऐसा जानते हैं कि रूबी सिंह के सुसाइड में, सो कॉल्ड सुसाइड में पवन सिंह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था? आप कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए ये दावा कर सकता हूँ कि इंडस्ट्री में रूबी सिंह मुझे भाई का दर्जा देती थी और मेरी सगी बहन से बढ़कर थी वो। मैंने अंतिम समय में 7 से 8 फिल्में उनके साथ एज ए विलन किया। जब भी रंग दे प्यार के रंग में हम कर रहे थे पनवेल सुरमे फार हाउस में, उस रात को पूरी शूटिंग चल रही थी और रो रो के सब बता रही थी कि यार मेरा ये चल रहा है, वो चल रहा है। समय थोड़ा सा है इंडस्ट्री वाले, और भोजपुरी में उतना पैसा है नहीं हीरो को छोड़ के, क्योंकि हीरो सिंगर होता है। तो मुंबई शहर में रुकना, चलना और 4 लोगों को लेके चलना, और मैं दावा इसलिए भी कर रहा हूँ कि गोरेगांव पुलिस स्टेशन में आप लोग जाकर उसकी FIR, उसका ADR जो है चेक कर लीजिए। उसमें ऐसा किसी तरह का मामला दर्ज नहीं है। इंडस्ट्री में कोई एक आदमी अगर आके ये बोल दे कि रूबी सिंह इतना % भी गलत थी तो मैं इंडस्ट्री छोड़ने को तैयार हूँ। ये मेरा दावा है। सवाल रूबी सिंह के गलत या सही होने का नहीं है, सवाल पवन सिंह के गलत और सही होने का है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि रूबी सिंह के सुसाइड में पवन सिंह का कोई हाथ नहीं था, ये आप कह रहे हैं, तो अक्षरा सिंह क्यों इस तरह के आरोप लगाएंगी? आखिर जो जिसकी मौत कई साल पहले हो चुकी है उसके नाम को क्यों घसीटा जाएगा? मेरी अक्षरा जी से बात हुई है 3 दिन पहले, आप फिर जाकर बात कर सकते हैं। मेरी जो बात, उन्होंने एक ही शब्द कहा है कि मैंने रूबी सिंह का नाम बिल्कुल नहीं लिया है। मैंने पटना के एक पत्रकार थे अनूप नारायण सिंह, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि वहां से खबर आई है। वो बता नहीं पाए कि रूबी सिंह का नाम कहां से आया है। मैंने एक है टुडे बिहार झारखंड, जिसके प्रकाश राज करके संपादक है और उसका रिपोर्टर है चमनलाल, ऐसा कुछ नाम है, पन्नालाल, उससे मेरी बात हुई है। लेकिन किसी पत्रकार के पास इस बात का सबूत नहीं कि रूबी सिंह का नाम लिया किसने। अक्षरा जी खुद बोल रहे हैं कि मैंने रूबी सिंह का नाम नहीं लिया। मेरा कुल मिला के बोलने का मतलब है, आज जो इस दुनिया में नहीं है, जिसकी आत्मा दुखी है, उसका नाम लेके उसका अगला जीवन क्यों खराब करें हम? मुझे आप बता, एक इंडस्ट्री में आदमी बता दो जो बता दे रूबी सिंह के लिए कि मैंने ऐसा किया। रूबी सिंह अगर वो उस दौर में चलती, आप लोग भी जानते हैं इंडस्ट्री में कई हीरो हीरोइन है जो अपना बहुत बड़ा तमगा लेके स्टार का चलते हैं, लेकिन जिनके पास साल में एक भी फिल्में नहीं होती, लेकिन स्टारडम उनके साथ है। अगर यही स्टारडम पाश्चात्य शैली में चल के रूबी सिंह को करना होता तो आज रूबी सिंह इंडस्ट्री की एक नंबर की हीरोइन होती, लेकिन उसने पाश्चात्य दौर को नहीं अपनाया, इसलिए उसने आत्महत्या किया। इसलिए ये बात आज सामने आई। पवन सिंह और अक्षरा के विवाद में अगर रूबी जी का नाम नहीं आता तो शायद मैं सामने नहीं आता, लेकिन मुझे पता है कि मैं उसका अगर भाई होने का फर्ज अदा कर रहा हूँ तो मुझे उसको पाक साफ साबित कर रहा है, इसलिए मैं आज सामने आया। तो मतलब आप पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ इसके लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? 200% मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि अगर आज लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह जेल जाएंगे, किसी ने मालवणी पुलिस स्टेशन जाकर यह जानने की कोशिश की कि मामला क्या दर्ज है, उसमें कितने साल की सजा है, उसका ईमेल आईडी किसका था, फेसबुक साइट किसका था, ये सब किसी पत्रकार ने जानने की कोशिश की? नहीं की। ये पता चला FIR हुआ है। आज मैं अगर यहाँ से चले जाऊँ कि बोलो गोविंद ठाकुर ने मुझे कैमरे पे देख के गालियां दी, मेरे पास क्या सबूत है कि दूंगा? पत्रकार का, पत्रकारिता का कोई फर्ज है कि नहीं है? नहीं। आज एक दिवंगत आत्मा को दुख देना, कल्पना कीजिए अगर वहां पर मेरी सगी बहन होती या आप में से किसी की बहन होती तो क्या करते? नहीं, आप लोगों को इस बात का दुख नहीं है कि ये आपस की जो लड़ाई है वो कैमरे के सामने आ गई और मीडिया उसे दिखा रही है, तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है? नहीं, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं है। अक्षरा जी ने जो किया है, पवन जी ने जो किया है,
वो आपस में वो निपट रहे हैं, पुलिस उसकी जांच कर रही है, आपके सामने जो बोल रहे हैं आप दिखा रहे हैं। मुझे दर्द जिस बात का था वो मैं बयान कर रहा हूं कि एक ऐसी बच्ची जिसका कोई लेना देना नहीं, मुझे लगता है गिन के भी वो पवन सिंह से 4-5 फिल्मों में मैं सेट पे रहा हूं, 6-7 फिल्मों में वो पूरे सेट पे पवन सिंह से अगर बात भी करती होगी बेचारी, तो मुझे लगता है कि हाय पवन जी कैसे, इसको छोड़ के उस बंदी ने बात नहीं किया होगा। उसकी दिनेश लाल यादव जी के पास सबसे पहली सुपरहिट पिक्चर थी, सिल्वर जुबली पिक्चर थी, इसके बाद भी उस बंदी को काम नहीं मिल रहा था, तो आप सोचिए कहाँ कहाँ उसने सेटल किया होगा। इसलिए मुझे दुख हो, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। आपने जब ये अक्षरा सिंह से ये बात पूछी कि रूबी सिंह ने आपने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कोई नाम मैंने रूबी सिंह का नहीं लिया, क्या आपने पवन सिंह से भी इस बारे में कोई बात की? पवन सिंह से मैंने बात करने की बहुत सारी कोशिश की, क्योंकि रूबी सिंह का विषय था और पवन सिंह ने किसी से नाम नहीं लिया है, इसलिए उस विषय से कोई लेना देना नहीं था। और जहां तक रही पवन सिंह और अक्षरा जी की बात, उनका जो विवाद चल रहा है, अक्षरा जी जो आरोप लगा रही है, निश्चित कहीं ना कहीं आग में धुआं होगा, कोई आपसी संबंध रहे होंगे, निश्चित होंगे। अब ये तो पवन सिंह जब सामने आएंगे, पुलिस की जांच जब पूरी होगी तो आएगा सामने बात। जब आप इतनी फिल्में इन दोनों के साथ करते हैं, जब आप ये कहे जाते हैं कि जय सिंह पवन सिंह के करीबी कहे जाते हैं, मुझे नहीं पता आप कितने करीबी हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि आग और धुएं वाला खेल बाकी है? निश्चित तौर पर बाकी है, क्योंकि अगर मैं अपनी पत्नी के साथ 20 साल रहता हूं और इसके बाद कोर्ट में जाके 498 का केस करता हूं, तो आग और धुआं का कुछ तो मसला होगा। पवन सिंह की जब बात कर रहे हैं, आप पवन सिंह से कहा आपने कि हमने संपर्क करने की कोशिश की, पवन सिंह से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, क्या आपने और भी किसी से बात करने की कोशिश की, उनके लॉयर से या किसी से जो उनका पक्ष रखें जो पवन सिंह के बारे में बात कर सके? नहीं, मेरे लॉयर से अभी कोई बात नहीं हुई है और उनके अभी किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन इस जो ये जो विवाद है, विवाद की जो शुरुआत है, विवाद का मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर इसमें रूबी सिंह का नाम नहीं आता तो शायद मैं सामने नहीं आता। विवाद जो चल रहा, मैंने कहा कि अक्षरा जी जो आरोप लगा रही हैं, निश्चित तौर पर उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। पवन सिंह क्यों नहीं आ रहे हैं लोगों के सामने, ये पवन सिंह जाने। पुलिस की जांच अभी बाकी है, पुलिस की जांच बाकी है। अक्षरा जी ने पुलिस में क्या रिपोर्ट किया है मुझे अभी नहीं पता है। पुलिस की जांच जब सामने आएगी तब पवन सिंह जेल जाते हैं या बाहर रहते हैं ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। अक्षरा सिंह के आरोपों में आपको सच्चाई नजर आती है, लेकिन आपके जो दोस्त हैं पवन सिंह, जो आपके मित्र आपके करीबी कहे जाते हैं, उनकी उन्हें आपने आपको नहीं लगता है कि जब दोस्त आप किसी को कहते हैं तो आपको नहीं लगता कि आपका दोस्त किस लिमिट तक गलत हो सकता है, ये आपको इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा है जय सिंह जी? बिल्कुल अंदाजा है, क्योंकि मैंने जिस पवन सिंह को देखा है, उस पवन सिंह ने सेट पर किसी के पिताजी मर गए हैं, रातों रात उठ के उसने फ्लाइट के टिकट करवा कर दिए, उस बंदे को घर भेजा है, एक लखनऊ में एक्सीडेंट हो गया था एक डिस्ट्रीब्यूटर के, उनके भाई के लिए वो मेरे साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट गए, वहां 50,000 रुपया दिए। मतलब सवाल ये नहीं कि पैसा देने से वो आदमी अच्छा हो जाएगा, ये मैं उनका एक तरफा बता रहा हूँ कि उस आदमी ने इंडस्ट्री में बहुत लोगों की मदद की है, उनका सगा दोस्त होने के नाते मैंने आज तक कोई मदद नहीं ली, ये मैं लिख के देता हूँ। हाँ, लेकिन उन्होंने बहुत लोगों की मदद की है। अब अक्षरा जी का और पवन जी का जो विवाद है, मैं फिर कह रहा हूँ विवाद है निश्चित तौर पर होगा, लेकिन पवन सिंह खुल के क्यों नहीं बोल रहे, मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे इस? एक्चुअली पवन सिंह मीडिया के सामने ना आने का कारण उनका छल है, उनके साथ जो लोगों ने छल किया है। अभी एक मैंने वीडियो देखा जो डांस मास्टर रामदेवन जी हैं, मुझे लगता है कि रामदेवन जी खाली बैठे हुए थे, उनको इतने अच्छे अच्छे गाने दे के हिट करवाया, वो रामदेवन जी के एक फिल्म कोई दिलाई थी पवन जी ने एज ए डायरेक्टर करके, जब वो फिल्म उनको नहीं मिली तो आके वीडियो में विरोध कर रहे हैं। विमल कुमार जी के देश परदेश पिक्चर उन्होंने की, मुझे लगता है कि सबसे कम पैसे में की, उनका वो विरोध कर रहे हैं। एक बंदा है जिनके पिताजी की जगह पवन सिंह फोटो लगाते थे, वो बैठ के वहां विरोध कर रहे हैं। पवन सिंह मीडिया के सामने एक्चुअली इसलिए नहीं आ रहे कि उसको विश्वास नहीं हो रहा है, मैं जाऊं कहां, कौन मेरा कौन पराया। लेकिन सच कहने के लिए किसी अपने पराए की जरूरत होती है जय सिंह, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल होती है, सच अगर उनको थोड़ा भी लगता है कि अक्षरा जी के विवाद में सच्चाई है, जो भी गलत है, तो आप जाइए पुलिस स्टेशन, वहां पर हाजिर हो जाइए और बताइए कि ये जो मेरे ऊपर आरोप है ये सत्य नहीं है।
अगर वो माजरी वैसे को हाना ही आएगी उनको पुलिस के सामने, वो खुद नहीं जाएंगे तो पुलिस पकड़ के लाएगी, क्योंकि नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, आईडी के 66, 67 नॉन अवेलेबल है। मैं भाई साहब फिर यही बात कर रहा हूँ कि आईटी की एक्ट 66A, 67E, 509 IPC ये तीनों धाराएं लगी हुई हैं। आपको पता है कि नहीं? मुझे नहीं पता, लेकिन ये तीनों धाराएं तब उनके ऊपर लागू होंगी जब फेसबुक को लेटर भेजा होगा पुलिस ने, पुलिस से फेसबुक का कंफर्मेशन आ जाएगा कि ये साइट किसकी थी जिन्होंने अक्षरा जी की बदनामी की है, इसके बाद जाकर वो मामला पुलिस के पास आएगा और तब पुलिस उसको सम्मन भेजेगी और पूछताछ के लिए उसके जो दसों कोण होंगे उस एंगल से पूछताछ करेगी। जय जी, सवाल ऐसा कि आपको नहीं लगता कि पवन सिंह ने गलत किया है या नहीं, ये शायद जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए, अगर वो गलत है तो उसके लिए सजा होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही उन्हें मीडिया ट्रायल में, उन्हें आपकी इंडस्ट्री के ट्रायल में पहले ही दोषी साबित कर दिया गया है? नहीं, इंडस्ट्री के ट्रायल में जो दोषी ठहराया गया है उसमें मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता, क्योंकि कोई भी हो, चाहे वो मीडिया का ही ट्रायल हो, क्या सामाजिक किसी भी विभाग का ट्रायल हो, वहां तो हर अच्छे बुरे लोगों के साथ रहते ही लोग। मैं अक्षरा जी को गलत ये नहीं बोल रहा हूँ कि अक्षरा जी के साथ कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, अक्षरा जी पीड़िता है इस समय, अक्षरा जी को पूरा दुख है और उनको यह अधिकार भी है कि एक स्त्री होने के नाते अगर उनको उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो उसका, लेकिन उसके लिए रास्ता है। उसके लिए मैं ये कह दूं कि नहीं नहीं, जय सिंह जिम्मेदार हैं, जय सिंह ने पवन सिंह को भेजा था या जय सिंह ने अक्षरा सिंह को भेजा था, तो ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि हम जिस विभाग में काम करते हैं वहां पर निश्चित तौर पर सब हमारे ही नहीं होते, विरोधात्मक लोग भी होते हैं, और मुझे लगता है कि विरोध ही ज्यादा बोलते हैं और अपना कम बोलता है। नहीं तो आखिर अगर अक्षरा सिंह के साथ गलत हुआ है, सीधे पवन सिंह को गलत ठहरा रही, उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, तो क्या वो गलत करेंगे? अगर अक्षरा के इस तकलीफ के लिए, अक्षरा की इस प्रॉब्लम के लिए पवन सिंह जिम्मेदार नहीं है, तो फिर कौन जिम्मेदार है? अक्षरा जी के, अक्षरा जी मैंने कहा कि जैसा कि पीड़ित है उनको पूरा अधिकार है, लेकिन दूसरी तरफ एक चीज और ये आती है निकल के कि क्या ताली एक हाथ से बजती है? इसका साफ साफ मतलब है कि अक्षरा जी और पवन जी के जब अच्छे संबंध थे, अच्छे रिलेशन थे, उस समय पवन जी बार बार यही कहते थे भाई मेरे फिल्म में कोई हीरोइन होगी तो अक्षरा जी। हाँ, लेकिन मैंने उस आदमी को, अगर आज अक्षरा जी ये कह रही हैं कि पवन सिंह ने मुझे निकलवाया, कंपनी से निकलवाया, यहाँ से निकलवाया, तो निश्चित तौर पर कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, होगा निश्चित। ये पवन सिंह को सामने आकर बोलना चाहिए। तल्खी आजकल हमने सुना कि आपके और पवन सिंह के रिश्ते में भी है, शायद ये वही वजह है जिसके बाद आज अक्षरा सिंह के साथ कुछ हद तक खड़े नजर आ रहे हैं जय सिंह। मैंने फिर कहा कि मैं जितना अक्षरा सिंह के साथ खड़ा हूँ उतना ही पवन सिंह के साथ खड़ा हूँ, और रही मेरे और पवन जी के तीखे मीठे की बात, तो हमारे परिवार में भी अगर माता पिता, बाप बेटे में, भाई भाई में ऐसा कुछ होता है, तो मैं इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो उसके गलत साबित होने के पहले मैं उसको फांसी चढ़ा दूं। जिस दिन गलत साबित होगा निश्चित तौर पर आप जैसा कह रहे हैं उनको जेल जाना है, सब कुछ होना है, लेकिन पुलिस पहले साबित तो करे। पुलिस क्यों नहीं साबित कर रही अभी तक? पुलिस अपना काम जरूर करेगी। जय जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बेसिकली आप बताना क्या चाह रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं कि भैया अक्षरा जी सही है या पवन जी सही है या इंडस्ट्री ट्रायल कर रही है या मीडिया ट्रायल कर रही है? आप आखिर आपको पता, इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जो ट्रायल कर रहे हैं, इंडिया इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं दोनों तरफ से जिस आग में घी का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनसे दोनों लोगों को कुछ ना कुछ फायदा। दोनों मत कहिए, दोनों तरफ मत कहिए जी, आप सिर्फ अक्षरा का नाम लीजिए, क्योंकि जितने लोग आज तक आए हैं कैमरे के सामने वो सिर्फ और सिर्फ अक्षरा सिंह के साथ आए हैं, वो लोग पवन सिंह के खिलाफ ही बोल रहे थे, पवन सिंह को एक आदमी का समर्थन नहीं मिला अब तक, क्यों ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने अभी दोनों बात कही है, मैंने दोनों बात ये कही है कि अक्षरा जी पीड़िता है, उनके अच्छे संबंध रहे हैं, आज अगर बिगड़े हैं वो आरोप लगा रही हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस इसकी जांच कर रही है, कल अगर वो सजा के अधिकारी होंगे तो उनको सजा होना चाहिए, लेकिन पहले ये सारा मामला तो साफ हो कि गलत कौन है, उसके पहले मैं चलो बता दूं।
उसके पहले मैं रामदेव जी की तरह बता दूं कि पवन सिंह ऐसे हैं वैसे हैं। रामदेव ने जो कहा होगा वो अपना खुद का एक्सपीरियंस कहा होगा, आप जो कह रहे हो अपना एक्सपीरियंस कहेंगे, कोई और आएगा जसवंत जी कहेंगे अपना एक्सपीरियंस नहीं। फिर इसमें इंडस्ट्री ट्रायल खत्म हो जाती है। अगर आप किसी दूसरे के विवाद में अपना पर्सनल चीज घुसाएंगे, यहाँ पर विषय है अक्षरा जी और पवन जी का, दोनों के इंटरनेशनल विवाद का। तो मैंने एक चीज कही कि अगर मैं अपनी पत्नी के साथ 20 साल रह रहा हूँ और 498 का केस दर्ज होता है, ठीक है, तो उसमें आप कैसे आकर बोलोगे जयसिंह आपने अपनी पत्नी के साथ गड़बड़ किया। मेरा कहने का तात्पर्य कल आप बहुत अच्छे थे, आज आपका बिगड़ा है, कल हो सकता है और फिर अच्छे हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि भैया आप जो आपका पक्ष है वो ये है कि अक्षरा जी जानबूझकर भी आरोप लगा रही हैं। जिस तरह आपने पत्नी का उदाहरण दिया उसका तो यही मतलब निकलता है कि इतने साल सब ठीक था तो दोनों का संबंध है बिगड़ा। तो आप लोगों ने लगता है अक्षरा जी का वीडियो नहीं सुना है, बिना सुने आ गए आप लोग। अक्षरा जी ने खुद ये कहा है कि मैंने पवन जी के साथ रिलेशनशिप में थी और बाकायदा पवन जी ने मेरे से लिखा के रखा हुआ था, ये अक्षरा जी ने खुद कहा है। तो रिलेशन में थी, 50 पिक्चरें कर रही थी, तो इसका मतलब कुछ संबंध होंगे। बिल्कुल, मधुर संबंध का ये मतलब गलत ही नहीं होता है। आज जैसे मैं रूबी जी के बारे में खुल के बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्री में एकमात्र उसका एक भाई था जिसकी सफाई के लिए आज मैं हाजिर हुआ हूँ, और इंडस्ट्री में एक आदमी अगर ये बोल दे कि रूबी सिंह गलत थी, मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, आज के बाद कुछ सारे लोगों के पैसे भी लौटा दूंगा जिसके एडवांस लिए हैं, दो डायरेक्टर मेरे बगल बैठे हैं, तीसरे अरविंद जी सामने खड़े हैं, सबका पैसा लौटा दूंगा। मैं जानता हूँ जयसिंह फिल्मों में आने से पहले पत्रकार हुआ करते थे, बड़ा नाम था जयसिंह का और उन्हें सारे कानूनी और लीगल पहलू पता है। फिर भी आप जरा जयसिंह ये बताइए मुझे कि इतने सारे विवाद के बाद ये बवाल खत्म कैसे होगा, किस तरह से ये जो बवंडर चला है ये कैसे शांत होगा? ये बवंडर तब शांत होगा जब अक्षरा जी को न्याय मिलेगा और पवन जी सामने आएंगे। अक्षरा सिंह को न्याय मिलने का ये मतलब है कि अक्षरा सिंह की गलती नहीं है, पवन सिंह की गलती है? नहीं, मैंने कहा अक्षरा जी को न्याय मिलेगा। न्याय किसे मिलता है? अक्षरा जी ने होता है, अक्षरा जी ने जो FIR किया है कि उनको गालियां दी गई है, उनको IT एक्ट के तहत परेशान किया गया है, सोशल मीडिया पे परेशान किया गया है, तो उसी के लिए उन्होंने FIR किया है। अब पुलिस वही जांच कर रही है कि फेसबुक किसका था, ईमेल आईडी किसका था, और मैं ये चला अगर वो पवन सिंह का फेसबुक था तो निश्चित तौर पर पवन सिंह को सजा होनी चाहिए। पवन सिंह से आपकी बात नहीं होगी, वो सामने आकर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आपके बड़े अच्छे मित्र थे, उसके बावजूद भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं? एक्चुअली पवन सिंह जी मुझे लगता है कि पटना में शो में थे, फिर उसके बाद देवधर गए हैं, ये दो के चक्कर में तभी से शो चल रहा है सब। मुंबई आने के बाद वो खुद ही बात करेंगे, और नहीं करेंगे तो कितना दिन नहीं करेंगे? पुलिस है, FIR दर्ज है, अभी नहीं करेंगे, जब आएंगे पुलिस स्टेशन में अपना बयान देने तब करेंगे, कहाँ भाग रहे हैं वो। जसवंत जी, रोशन जी से पूछिए, बात करते हैं। आप भी कई फिल्में बना चुके हैं पवन जी के साथ में, क्या अनुभव रहा उनके बारे में जरा बताइए। सबसे पहले तो आप भाइयों को मेरा प्रणाम नमस्कार, मैं जसवंत कुमार। और आपने पूछा है सही है, इतने सारे मीडिया भाई हैं कि पवन जी के साथ मेरा जो अनुभव रहा है, जितनी भी मैं कम से कम 4-5 पिक्चर तो खुद बनाया पवन जी को लेके, और उनके साथ एज एन एक्टर भी, मैं एक्टर भी हूँ तो कई पिक्चरें किया हूँ, तो 8-9 पिक्चर का एक्सपीरियंस है। मेरे साथ कभी कोई पवन सिंह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना, तो तरह तरह का मैं सुनता रहता हूँ, कभी मतलब डेट को लेके, कभी टाइमिंग को लेके, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ है पवन जी का। जो भी सिनेमा किया वो टाइम पे कंप्लीट किए हैं। जसवंत जी, आपकी आपकी बात ठीक है, आपके साथ उनका कोई बुरा एक्सपीरियंस आपका नहीं है। कभी आपने सेट पर देखा कि पवन सिंह ने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया हो, किसी को गाली दी हो या किसी की बेइज्जती की हो, भले वो छोटे से छोटा एक टेक्नीशियन भी क्यों ना हो? नहीं, कभी नहीं। टेक्नीशियन या जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं सबके प्रति उनका अच्छा लगाव रहता है, और मैं खुद चूंकि एक्टर हूँ तो इतना मजा एक्टर तो हूँ नहीं, मैंने उनके साथ बहुत सारा एक्ट किया है, मुझे कितना सपोर्ट किए हैं, जब एक्टिंग करता हूँ कहीं कुछ गलती होता है तो खुद सपोर्ट करते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। आपकी फिल्म सरकार राज में भी दोनों ने काम किया, अक्षरा और पवन ने, तो कैसा उस समय ट्यूनिंग रही दोनों की, वो जरा बताएंगे? जी, सरकार राज में एक स्पेशल सॉन्ग, सही कहा आपने, सरकार राज में जो है पवन जी के ही कहने पे, जो कि मैं सुन रहा हूँ कि अक्षरा जी जो ब्लेम लगा रही हैं कि मतलब उनको फिल्मों से निकलवा रहे हैं और मतलब जो भी और प्रॉब्लम उनका हो वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि
सरकार राज जो गाना था पातर चीतर छुटकी रह गया, वो गाना जो है पवन सिंह के ही कहने पे मतलब अक्षरा जी को उसमें रखा गया था, और मतलब मैंने रखा उसमें, लेकिन मेरा बहुत बुरा अनुभव रहा उस समय। जिस दिन ये गाना शूट था, अरविंद चौबे जी उसके डायरेक्टर थे और वही कोरियोग्राफर अपने जो है रामदेवन जी मतलब उसका कोरियोग्राफी कर रहे थे। सुबह सुबह मॉर्निंग में ही शिफ्ट रखा गया था, और सुबह पवन जी अक्षरा जी का जो भी मचमच हो गया हो, कुछ इन लोग का मचमच हुआ सेट पे, मुझे इतनी दिक्कत हुई, मुझे 6 घंटे में वो गाना कंप्लीट करना था, लेकिन उस दिन वो गाना मेरा 20 घंटा लग गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक गाना जब करवाया मतलब इन दोनों लोग का, और मेरा टारगेट था कि मैं और कुछ करूँगा उस शिफ्ट में, मेरे सीन बैलेंस थे और एक ही लोकेशन एक ही जगह शूट करना था, उसके बाद भी वो गाना 20 घंटा लग गया करने में। रामदेवन जी बार बार बोलते थे अक्षरा जी का एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, बिनिटी में जाके बैठ जाना, मैं प्रोड्यूसर होके जाके हाथ पैर जोड़ के चलिए करिए जो है, नुकसान हो रहा है मेरा। जैसे तैसे मैं वो गाना मतलब कराया, रामदेवन जी मजे हुए, मास्टर हैं तो उन्होंने मतलब करा लिया, लेकिन बहुत दिक्कतें हुई। तो मेरे मन में मतलब उस समय यही आया कि ये जोड़ी भले ही इतनी हिट है, लेकिन अगर इतना प्रॉब्लम होगा तो कौन डायरेक्टर प्रोड्यूसर साथ में लेकर काम करेगा। वही रामदेवन जी आरोप लगा रहे हैं जो इस समय अक्षरा के एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे कि बराबर वो एक्ट नहीं कर पा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी मामला एक तरफा नहीं होना चाहिए। अक्षरा जी एक्ट्रेस बहुत बढ़िया है, उनका एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन कहने का मतलब दोनों लोग का अगर जो भी था पवन जी या अक्षरा जी का, तो एक का गलती तो नहीं होगा, होगा दोनों लोग का गलती। और अगर ये गलती था तो ये गलती पहले क्यों नहीं आया, पहले आता तो समझ में आता ये चीज़ की मतलब भाई इन लोग का प्रॉब्लम चल रहा है, अचानक आज क्यों आ गया। आपने देखा फिल्मों में उन्होंने नहीं लिया वांटेड में, ऐसा सुनने में आ रहा था, तो होटल में आके उन्होंने हंगामा भी किया, काफ़ी गाली गलौज हुआ था। अब सच्चाई हमारे अगर आप लोग वांटेड का भी बात जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। चर्चा काफ़ी उसमें गर्म थी, हंगामा काफ़ी हुआ था सेट पे। चर्चा चूँकि वांटेड में हुआ यूँ कि मतलब जब सरकार राज जो मैंने अभी बताया मैंने किया था, और जब एक गाने में मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, मेरा डबल शिफ्ट लग गया, तो एक प्रोड्यूसर अपना बजट लेके चलता है। अगर वांटेड आया, वो टाइम आया कि 6 महीने पे हमने वांटेड चालू किया, तो पवन जी ने उसके लिए मुझ पर बहुत दबाव बनाया कि आप अक्षरा को रखिए, हमारी हिट जोड़ी है और हम साथ में काम करेंगे तो पिक्चर हिट होगी। तो हमने मतलब खुल के तो नहीं बोला, मैंने बोला भैया अब ये कैसे कहूँ मैं कि मतलब मुझे जो दिक्कत हुई है आप दोनों लोग से, खाली एक गाने में इतनी प्रॉब्लम हुई है, तो मैं पूरी फिल्म कराऊंगा तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ये हाथ गोड़ जाके जोड़ूँ, पैसे भी खर्च करूँ और जाके हाथ गोड़ जोड़ूँ, आज मेरा मतलब लाखों का नुकसान हुआ। वो मैटर जो आपने पूछ लिया तो मैं बता ही दे रहा हूँ कि वांटेड में ना लेने का रीज़न, पवन जी ने तो बड़ी कोशिश किया था कि अक्षरा ही रहेंगी, मैं लास्ट मोमेंट में बोला भैया मेरी कहानी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं किसी भी लड़की को लेकर इसमें बनाऊंगा तो मेरी फिल्म हिट होगी, मुझे कॉन्फिडेंस है। जसवंत जी आपने कहा कि इस जोड़ी से मुझे बड़ी तकलीफें हुई, जो गाना 6 घंटे में शूट करना चाहता था उसे 20 घंटे 22 घंटे लग गए, ठीक है। उसके बाद आपने पवन सिंह को नहीं छोड़ा, आपने पवन सिंह को लेकर फिल्म की, अक्षरा सिंह को छोड़ दिया, भले ही पवन सिंह ने दबाव बनाया। इसका मतलब यही है कि आप ये समझते थे कि गलती अक्षरा सिंह की है इस पूरे विवाद में जो एक गाने को लेकर हुआ? बिल्कुल, मुझे देखो क्या है कि इंडस्ट्री में क्या होता है कि हमको अगर हीरो हमको लेना है तो हमारा हीरो कौन है वो देखना है। अब हीरो के साथ ये जरूरी नहीं कि उनकी जोड़ी हिट है, और अगर उस जोड़ी से कुछ प्रॉब्लम है तो आज जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं बोल रहे हैं, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सबको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, एक सिनेमा दो सिनेमा करके तो वो रिपीट नहीं की वो जोड़ी, तो उसमें ये मतलब ब्लेम लगाना मतलब कि मुझे पवन जी निकलवा दिए, तो मुझे मेरे हिसाब से मतलब ये ठीक नहीं है। रहा होटल की बात अगर देखी जाए, वो कितनी सच्चाई है जो गाली गलौज होटल में हुई थी, वहाँ पे आके इन्होंने गाली गलौज किया, तो वो कितनी सच्चाई जरा बताएंगे, क्योंकि काफी स्टाफ भी थे वहाँ पे। जी होटल का बात आप चूंकि आप लोग के सामने, तो जो है मैं वही कहूँगा और यही सही है। डर इसलिए लगता है कि आप लोग जो चीज दिखाते हैं मतलब ऑडियंस को पब्लिक को दिखाते हैं, इतनी गालियाँ मिलती है, कोई पवन जी का जो है फैन है तो वो अक्षरा को गाली देता है, अक्षरा जी का फैन है पवन जी को गाली देता है, तो बताने में भी डर लगता है सब। लेकिन चूंकि आप पूछ रहे हैं, मैं वांटेड पिक्चर की शूटिंग जो है बस्ती में कर रहा था, उसमें एक खलनायक जय भाई भी थे और उसके डायरेक्टर सुजीत सिंह थे, वहाँ पर मैं शूट कर रहा था। एक दिन रात में मेरे पास कॉल आया कि जो है महारानी होटल था, उसमें मतलब बोले कि एक लड़की आई हुई है और पूरा यहाँ पे मतलब एकदम उत्पात मचा के रखी है, बहुत लाउडली गाली दे रही है और शराब पी हुई है। तो मैं शौक हुआ, मैं बोला कि किसको गाली दे रही है, तो बोले पवन सिंह को। तो
मैं टेंशन में आ गया कि मतलब पवन सिंह को कौन जाके इतनी हिम्मत होगी कि मतलब होटल में जाके गाली देगा। भाग के गया मैं तुरंत, मैं गया, डायरेक्टर सुजीत सिंह गए, हमारे दो लोग और थे, वो लोग वहाँ पे होटल में गए साथ में, और देखा मैं होटल के नीचे ही पहुँचा तो वही ड्रामा था, ऊपर से आवाज़ सेकंड फ्लोर से नीचे आ रही थी। गया मैं काउंटर पे, बोला ऐसे कैसे एंट्री दे दीजिए, मतलब तुम लोग जो है कोई लड़की आती है, क्यों आई है, क्या नाम है, तुमको नाम नहीं बताना चाहिए, तो बोले अक्षरा सिंह नाम है। मैं गया ऊपर तो देखा वाकई तमाशा। तो आज कहने का मतलब मैं आप मीडिया भाई से कहना चाहता हूँ, ये दोनों लोग का जो भी रहा रिलेशन रहा, क्या रहा, उसमें ड्रिंक करके गाली को गलौज कर रही, अब सिचुएशन यही था और मैं अकेला वहाँ था नहीं। जब इतनी कहानी वहाँ बिगड़ चुकी कि मैं समझाया कि मामला शांत हो जाए, पवन जी को जो हो रहा है ना कि पवन जी जो है मतलब गाली देते हैं, ये देते हैं, ठीक है, जो भी जिनके सेट पे दिए हूँ गाली, जहाँ भी वो लोग लफड़ा किए हूँ मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे सेट पे जो हुआ था उस होटल में जब मैं पहुँचा हूँ तो वहाँ मैंने यही देखा कि मतलब ये नहीं जो है अभद्र, कोई गाली नहीं निकल रहा था लेकिन उधर से निकल रहा था। फिर मैं जब सिचुएशन नहीं संभाल पाया, जय भैया को फ़ोन किया, सामने है, और उसके बाद में मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि उनके पिताजी जो है ये विपिन सिंह जी अपनी पिक्चर में मेन खलनायक की भूमिका वही कर रहे थे। अच्छा उनको भी पवन जी ने ही कास्ट करवाया था, तो मैं उनको फ़ोन किया, मेरा बहुत अच्छा उनसे जमता है विपिन भैया से, मैं बोला भैया यहाँ बहुत सिचुएशन ख़राब हो गया है, आप आ जाइए। तो रात में ही वो आए, उसके बाद में वहाँ का नज़ारा देख के, अगर जो भी वहाँ हुआ तो आप खुद उनके पिता हैं, उन्होंने स्थिति कंट्रोल कर लिया था, नहीं तो उस दिन तो मेरा मतलब जो था, लेकिन फिर भी मेरा 4-5 दिन का जो नुकसान हुआ, लाखों रुपया कोई मेरा भरने नहीं आएगा, मैं उस चीज़ से पीड़ित हूँ कि मतलब इतना पैसा लगा के जो है पिक्चर बनाओ, पता लगे नुकसान हो जाए। इतनी बड़ी आपने मुझे कहानी बताई, आपने एक रीजन नहीं बताया, अक्षरा सिंह अचानक आकर पवन सिंह को रात में शराब के नशे में क्यों गालियां देंगी, क्यों हंगामा करेंगी, शॉर्ट में बताइए ना, थोड़ा एक मिनट वही जी 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 एक मिनट जरूर क्या कहूँ मैं भी जज्बा, पवन सिंह के करीबी है, लेकिन बोलने दीजिए कुछ, अक्षरा सिंह के करीबी है, सच्चाई है, सामने आने दीजिए। जसवंत जी क्यों आपको क्यों आखिर अक्षरा सिंह आई थी होटल में और क्यों हंगामा किया था? भाई मेरी फिल्म में कोई रिक्वायरमेंट नहीं था वांटेड में, पवन जी का उनका जो भी जिस तरह का व्यवहार था मैं नहीं जानता, क्योंकि जब मेरे सेट पे उस तरह का कोई, एक दिन मैं सरकार राज में शूटिंग किया, दोबारा मैंने वांटेड में लिया नहीं, तो वहाँ आने का कोई रीजन नहीं बनता था। मैंने पवन जी को भी पूछा भैया क्यों आए हैं, मतलब क्या जरूरत है हमारे सेट पे जो है, मेरा जो नुकसान हो रहा है कौन भर के देगा, तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी बुलाया हूँ, तो अब क्या कहा जाएगा, बुलाए नहीं और वो अपने आ गई, तो मतलब इसमें किसकी गलती कहेंगे, उन्हें नाराज आपसे होना चाहिए क्योंकि आपने उन्हें अपनी फिल्म में नहीं लिया, पवन सिंह से क्यों नाराज थे, पवन सिंह तो वो आप पर प्रेशर डाल रहे थे फिल्म करने के लिए, जैसा आप बहुत प्रेशर किए पवन जी मुझे, मैं वही तो मैं ज्यादा अभी जो देख रहा हूँ मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब और डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, सबका जो प्रॉब्लम हुआ होगा सब अपना बताएं भाई, पवन सिंह से क्या प्रॉब्लम हुआ, अक्षरा जी से क्या प्रॉब्लम हुआ, वो बात करो, और दोनों लोग का क्या चल रहा था क्या नहीं, ये सब राजनीति करने की क्या जरूरत है, ठीक है, इसमें सब लोग गाली देते हैं कोई मतलब नहीं है। आप लोग का पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज सामने दिखाई दी, बार बार जय जी आपने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट और जांच पड़ताल का इंतजार करें, यानी कि पूरा मामला साइबर क्राइम की तरफ मूव हुआ होगा क्योंकि सोशल मीडिया और वीडियो साइबर सेल के अंदर होता है, तो आप रिक्वेस्ट क्या करना चाहते हैं उन लोगों से, चाहे रामदेवन जो डांस मास्टर हैं या कुछ एक्ट्रेस के, कल मैंने 3-4 लोग नाम पढ़े, बहुत लोग इस पे कमेंट करने लगे हैं, कोई अक्षरा को सही बता रहा है, अक्षरा मजबूत लड़की, कोई बोल रहा है कि पवन सिंह इसमें है, हालांकि आरोप एक दोनों पर लगाए जा रहे हैं, एक रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे कि ये मामला पुलिस की जांच तक रहने दें, इसका ट्रायल बाहर कहीं ना करें। अगर गलत साबित होते हैं तो पनिशमेंट जरूर मिलेगा, ये भी मेंशन करना है, ठीक है। एक अनुभव और मैं शेयर करना चाहूंगा अपना, मेरे कहने का मतलब है कि जो ये विवाद चल रहा है, मैंने जैसा कि भाई साहब ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, मैंने ये कहा कि दोनों के बीच मधुर संबंध निश्चित, आज अगर विवादित है तो ये उनका मन भेद है या मत भेद, ये भी हो सकता है कि इंडस्ट्री है,
आज कई लोगों का विवाद होता है, कल एक हो जाते हैं, लेकिन अगर अक्षरा जी ने FIR किया है तो क्यों ना हम ये इंतजार कर लें कि अक्षरा जी को सोशल मीडिया पर जाकर उनकी तौहीन की गई या शोभनीय शब्द कहे गए, उनको गालियां दी गई, और अगर वो वाकई पवन सिंह हैं, पवन सिंह के फेसबुक से हुआ है, पवन सिंह के ईमेल आईडी से हुआ है, पवन सिंह के मोबाइल से हुआ है, तो निश्चित पवन सिंह सजा के हकदार है। क्योंकि किसी सीधे होने का मतलब ये नहीं है कि पवन सिंह आ जाएंगे, हो सकता है नहीं थोड़ा भी नहीं, शॉर्ट में हम लोग शॉर्ट ले रहे बस टोल सर नहीं कंटिन्यू। निश्चित तौर पर अगर अक्षरा जी का जो कि एक महिला है उनको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, और हमारी इंडस्ट्री की बहुत अच्छी अदाकारा है, उनका सोशल मीडिया पर जाकर जिस किसी ने भी, चाहे पवन सिंह हो चाहे जय सिंह या जसवंत जी कोई भी हो, अगर सोशल मीडिया पे उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, शोभनीय व्यवहार हुआ है, वो अगर पवन सिंह के फेसबुक से हुआ है, पवन सिंह के मोबाइल से हुआ है, पवन सिंह के ईमेल आईडी से हुआ है, तो निश्चित तौर पर पवन सिंह उसके सजा के हकदार हैं। और यह जल्द ही मालवणी पुलिस स्टेशन की जो साइबर सेल क्राइम जो इस मामले को देख रही है वो अपना रिपोर्ट दे देगी, इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि साइबर जो FIR हुआ है उसमें क्या है, किसने किया। हो सकता है कि पवन सिंह का ईमेल आईडी वगैरह से किसी और ने किया, हो सकता है पवन सिंह ने किया हो, लेकिन मुझे पूरी तरह विश्वास है कि पवन सिंह व्हाट्सएप छोड़ के कुछ चलाते ही नहीं है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.